ये आ गई फिर तो हमारे हाथ से प्रोजेक्ट गया समझो। अब कोटेशन देने का कोई फायदा नहीं, चलो घर चलते हैं। ये प्रोजेक्ट किसे मिलेगा ये हमें डिसाइड नहीं करना है, चेटियार सर देख लेंगे। चलिए हाँ ठीक है। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है पता नहीं मैम। हमसे बात करने के बाद भी तो चेटियार इन लोगों को बुला सकता था, शर्मिंदा कर रहे हो तुम लोग। सॉरी मैम मुझे पता नहीं था। मैडम मैं आदित्य आपसे मिला। हाय मैं जगमोहन। हाय मैं मर जाऊं। गुड मॉर्निंग मिस्टर राम। हेलो वसुंधरा। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। ये तो आपको डांट के जा रही है। ये तो है हसीनों के नखरे सुहाने। हाँ। ना तुम जानो ना हम जाने। हाँ। इश्क में तो मैंने सस्ती सैंडल भी खाई है। इज्जत का कचरा करवा लिया ना बेबी। छोड़ो ना बेबी। हाँ तो मैडम आपने डिजाइन को जरा एक्सप्लेन कीजिए। सर इफ यू डोंट माइंड आई प्रेफर अ प्राइवेट मीटिंग। अकेले में बात करें। अकेले तो आप फोन पे भी बात कर सकती थी, एक डजन लोगों को साथ क्यों लाई? शट अप। हाय अदा। अरे नाराज क्यों हो रही हैं? यहाँ कहने में क्या हर्ज है भाई, हमें तो कोई हर्ज नहीं लगता। जल्दी करो। ये आदि अब ये गोलियां बरसाई गई क्या? ऐसा ही लगता है। हाँ। So basically the concept is this design is to create free flowing spaces and unobstructed views which will accommodate more number of rooms as per our plan in case of any emergency evacuation this is that. The construction is German technology so you're getting it right? Okay good. And of course we have a floor plan. We've designed it in such a way that every square foot of the area is utilized to the maximum in order to make it one of the most highly sustainable hospitals in this entire region. Basically it's a 6000 crore project that we will execute within a 2-year period of time. Okay? समझ आया? कुछ तो समझा। अरे सर मुझे लगता है मैडम पूरा प्रेजेंटेशन रट्टा मार के आई हैं, तोते की तरह। हाँ तो अब आप बताइए लेकिन हिंदी में। आदित्य सर प्लीज। सर जी तो ये है हमारा प्लान। हॉस्पिटल ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं ताकि जल्दी मदद मिले। आपकी जमीन ऐसी ही जगह पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में सूरज की किरणें सीधे अंदर आ जाए क्योंकि सूरज की किरणें मरीजों को जल्दी ठीक करती हैं। और मैंने प्लान उसी हिसाब से बनाया है सर जी। और हाँ मैंने हॉस्पिटल के एंट्रेंस को थोड़ा सा ऊंचा बनाने का सोचा है ताकि बारिश में पानी ना जमे, बहुत पानी जम जाता है। एम्बुलेंस के आने जाने के अलग अलग रास्ते हैं और जगह खुली है, हवा आती जाती रहेगी। और हाँ सर जी यहाँ पर हमारी फार्मेसी होगी और बाकी सब बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसा ही रखा है। थोड़ी और टेक्निकल चीजें हैं पर वो सुना के आपको बोर नहीं करूंगा। वैसे आपका डिजाइन ज्यादा अच्छा है और आपकी कंपनी के बारे में सारी दुनिया जानती है, बजट भी ठीक ठाक है, कॉन्ट्रैक्ट तो आप ही को मिलना चाहिए। तो फिर हम चलते हैं सर। एक मिनट बेटा, मैंने तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा देखा है जो आजकल बहुत कम दिखता है। स्ट्रेट एंड स्मार्ट, दावे के साथ कहता हूँ बहुत तरक्की करोगे। मुबारक हो, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हुआ। What? Yes. मैं जानता हूँ मैंने सही कैंडिडेट चुना है। Is he serious? उनके सामने मेरा मजाक बना दिया और यही करना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? मेरा इंसल्ट कर दिया वो भी ऐसे दो कौड़ी के घटिया लोगों के सामने। मैडम हमारे प्रेजेंटेशन में ज्यादा फर्क नहीं था, बस मुझ में थोड़ी तमीज थी और आप में थोड़ा सा गुरूर था। दोनों ने बात एक ही कही थी लेकिन तरीका अलग था। मेरी तो कोई औकात नहीं है लेकिन राम सर हम सबसे सीनियर हैं और आपने उन्हें घटिया कह दिया, एक बार सोचा तक नहीं। आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन एक नसीहत देता, इज्जत देंगी तो इज्जत मिलेगी। मैडम चाहे आप आसमान की बुलंदियाँ छू ले लेकिन पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए। आदि कमाल हो गया, वसुंधरा तो देख के रह गई, आज रात सो भी नहीं पाएगी। चीयर्स। आदि इतने खुशी के मौके पे तेरे चेहरे पे 12 बजे, सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। लेकिन उस रागिनी की बच्ची ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये बीवियां तो जन्मों जन्म बर्बाद कर डालती हैं। उधर देखो वो सारे शादीशुदा बेमौत मर रहे हैं, इसीलिए ऑफिस खत्म होने के बाद ये बार में बैठते हैं और जम के पीते हैं। बोलने में आपका क्या चाहता है? मेरी जिंदगी का जो बैंड बजा मैं जानता हूँ। सबर करके जीना सीख ले।
जितना बीवी से दूर रहेगा उतना सुखी रहेगा। आप ही बताइए मैं क्या करूं सर। सर आपका घर आ गया है, 9-11 हो जाए। 9-10-12 हो गया। हो गए ना। अभी घर जाके सो जाओ। ठीक है तू बोलता है तो सो जाता हूँ। गुड नाइट सर। सर सर क्या? ये मेरा घर है सर, अपने घर जाइए ना। रोजी दरी पटकता है तो फिर मेरा घर किधर है? बाद में बह गया। सर हाथ मत लगा, आप नशे में धूते हैं, फिर मेरा भी हाथ। मैं नशे में? क्या यू आर वेरी ड्रंक। तूने नहीं पी? तेरा भूत पी रहा था क्या? वो मुझे याद नहीं है। है ना? देखिए नशे में कोई कांड हो जाए इससे पहले आप घर चले जाओ। कांड? और क्या। हाँ मैं कांड करूंगा। बोल तू क्या कर लेगा, बोलना। सर आप मेरे सीनियर हो इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं अपनी पे आ गया ना। मैं सीनियर नहीं हूँ। तू आ जा अपनी पे, आना उछल के आ जा। आज छोड़ा का छोड़ा, दारू का दारू हो जाए। देख क्या रहे, झगड़ा कर? नहीं सर, उसके लिए मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा जो भी झगड़ा करना है कल ऑफिस में करेंगे, अभी आप घर चले। मैं उड़ के घर जाऊंगा। ठीक है, ये लीजिए मेरी टुक टुक, ले जाइए ले जाइए सर। टुक टुक I'll miss you, टुक टुक। सर शक्ल से दिखते नहीं है लेकिन अच्छे आदमी है। मैं पूछू। ले जाइए सर। सर आपके सीने में दिल नहीं है? गुर्दा फेफड़ा कुछ नहीं है क्या? बेबे चल जाबे जाबे अटारे पे परसों पहुंचूंगा। डोंट टॉक टू मी फॉर टू डेज। लेकिन मैंने दारू पिया। एक मिनट रुको, क्या ढूंढ रहा है? ये लो। ये क्या है? अरे पूछो मत, चबा लो। क्यों? दारू की बदबू नहीं आएगी। अच्छा? हाँ सच में। अब जल्दी जाके सो जा। भाभी किधर है? घर राटे मार रही है। अंदर है? इधर है या उधर? उस तरफ है। उधर? ये क्या कर रहे हो? बस आ रही है। गंदी वाली आ रही है। चबाते रहो। सच्ची आ रही है। मैंने कितना समझा लेकिन इसने जबरदस्ती मुझे दारू में पानी में दारू मिला के पिला दिया इसने। अरे क्या बक रहे हो, मदद करना ही बिना है। निकलो। बीते शुक्रवार को कई जिलों में जमकर प्रदर्शन और झड़पें हुई, जिसे शांत करने के लिए पुलिस ने कई राउंड खबर लिखने तक। ये धागा जब तक तुम्हारे हाथ में है तुम शराब नहीं पियोगे। अमित ये लोग झगड़ क्यों रहे हैं? ये मैडम मैडम प्लीज आप यहीं रुकिए। अरे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? अरे तो बात तो करो यार। यार क्या प्रॉब्लम है? पहले तुम अरे हाथ मत लगाओ यार, दूर से बात करो। जो आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? चलो मुझे।
लड़की पे हाथ उठाता है बुजदिल। इसी वक्त ये जगह खाली नहीं की तो पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को तो हम बुलाएंगे, उधर देख। मुझे बाद में घूरना, पहले इसे पढ़ लो। प्रोजेक्ट कॉन्फर्मेशन लेटर है। ये क्या चीटिंग है? प्रोजेक्ट तो हम लोगों को मिला था, चेट्टियार जी ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। मिनिस्टर शिंदे को फोन करो। यस मैम। बोलो मैं मिलना चाहती हूँ। यस मैम। नाउ। ओके मैम। ये नामुमकिन है, ये उनका मामला है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? वो सब मैं नहीं जानती। आपकी पार्टी को मैं जो लाखों करोड़ों का चंदा देती हूँ सिर्फ ना सुनने के लिए, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आगे से मुझे भी मजबूरन आपकी पार्टी के फंड को रोकना होगा। मैडम एक मिनट, आप नाराज मत होइए। आपको उस कंपनी का प्रोजेक्ट चाहिए ना? ठीक है, मैं बात करता हूँ। सरकारी जमीन वो मेरे पुरखों की है। जिसे तुम पुरखों की जमीन कह रहे हो उसे मैं छीन भी सकता हूँ, इतनी पावर तो है मेरे पास। मुझे धमका रहे हो? मैं किसी से नहीं डरता, कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। हाँ खटखटाओ, 20-25 साल तक खटखटाते रहो। दिमाग से काम लो यार, वो इंडिया की नंबर वन कंपनी है, अपने काम में बेस्ट है वो लोग। यहाँ मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि बच्चों की तरह कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हो। तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम वसुंधरा को टक्कर दो। ये कॉर्पोरेट की दुनिया शतरंज का खेल है जो तुम हार जाओगे। अब मुझे आपकी कंपनी की काबिलियत का असली राज पता चल गया, लोगों को धोखा देकर उनकी पीठ में छुरा घोंपना। ज़बान को लगाम दो, ये नंबर वन पोजीशन मैंने मेहनत और काबिलियत से हासिल की है। यही आपकी मेहनत और काबिलियत है? बढ़िया है, अच्छा मजाक है। मजाक तो तुम बन गए हो, तुम्हारे गुरूर की वजह से तुम्हारी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट खो दिया। एक मामूली से कंपनी में मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपए कमाने वाले इंजीनियर को अगर इतना ज्यादा घमंड है तो जरा सोचो, 12 साल की लड़की जो अनाथ हो गई थी, जिसने अपनी कंपनी को लालची लोगों से बचाकर अपने पिता के लेगेसी को इस मुकाम तक लेकर आई है जिसे देखकर लोग तारीफों के पुल बांधते हैं, उस कामयाब लड़की को कितना ज्यादा गुरूर होना चाहिए। आप कंपनी को जिस मकाम पर लाई है उसकी कद्र करता हूँ, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अगर आप ऐसी छोटी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करें तो हंसी आती है। आप इतनी गिर गई, ऐसे काम करेंगी तो आपकी कमाई हुई इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। एक बार प्यार से कहती खुद ही प्रोजेक्ट छोड़ देता। तुम छोड़ दोगे? आखिर हो कौन? खुद की औकात तुम्हें पता है? इस प्रोजेक्ट के बाद मैं तुम्हें बख्श देती, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी। जिस कंपनी पर तुम्हें इतना घमंड है, देखना उस कंपनी को बचाने के लिए एक दिन तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। आज से तुम्हारी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है, बच के रहना।